नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। अब मायावती ही करेंगी जनसभाएं। इस घटना के बाद आकाश आनंद की सभी रैलियां रद्द। बसपा ने भी बदली रणनीति। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे और पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद फिलहाल प्रदेश में चुनावी जनसभाएं करते नहीं दिखेंगे। 28 अप्रैल को सीतापुर की चुनावी रैली में दिए गए भाषण को आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए दर्ज की गई FIR के बाद से उनके प्रस्तावित सभी रैलियों को बिना कारण बताए रद्द कर दिया गया है। आकाश इन दिनों नई दिल्ली में है, अब वह दूसरे राज्यों में जा सक्रिय दिखाई देंगे। इस बीच मायावती पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैलियां करती रहेंगे। बसपा प्रमुख ने 2 मई को जहां मैनपुरी में, वहीं शनिवार को आगरा में चुनावी रैली की। 18वीं लोकसभा के हो रहे चुनाव में बसपा अकेले ही लड़ रही है। अब की मायावती की चुनावी रैलियों से पहले ही आकाश काफी सक्रिय हो गए थे। आकाश की पहली रैली 6 अप्रैल को नगीना में हुई थी, जबकि मायावती ने 11 अप्रैल से चुनाव प्रचार शुरू किया था। आकाश रैलियों में बेहद आक्रामक अंदाज में भाजपा सरकार को घेरते हुए अपनी बात रख रहे थे। 28 अप्रैल को सीतापुर की रैली में दिए गए भाषण को पुलिस ने भड़काऊ मानते हुए आकाश पर पहली FIR दर्ज की थी। उसके बाद से आकाश की कोई चुनावी जनसभा नहीं हुई है। पिछले कुछ दिनों से कोई रैली न होने पर चर्चा है कि मायावती ने आकाश को फिलहाल राज्य में रैलियां करने से रोक दिया है। पार्टी नेताओं से कहा गया है कि आकाश की रैलियों का कोई कार्यक्रम ना बनाया जाए। ऐसे में चुनाव प्रचार से दूर आकाश नई दिल्ली में है। हालांकि पार्टी नेताओं द्वारा इस संबंध में स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि आकाश की जल्द ही दूसरे राज्यों में चुनावी सभाएं होंगी। सीतापुर में दर्ज FIR के बारे में आकाश का कहना है कि उन्होंने अपने संबोधन में कुछ गलत नहीं कहा था। प्रदेश के युवाओं को बेरोजगार रखा जा रहा है, गरीबों को मुफ्त में राशन देकर उन्हें गुलाम बनाया जा रहा है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वो कुछ गलत कहते हैं तो माफी जरूर मांगते, लेकिन उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा था। हो सकता है कि संबोधन में इस्तेमाल किया गया शब्द ज्यादा रिफाइंड नहीं था, जो विपक्ष को चुप गया। आकाश ने की AMU के छात्रों से मुलाकात। आकाश आनंद ने शनिवार को नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU के छात्रों से मुलाकात की। इस संदर्भ में उन्होंने इंटरनेट मीडिया के एक्स पर कहा कि देश के राजनीतिक माहौल पर AMU के छात्रों से चर्चा करने व उनकी चिंताएं सुनने के बाद मन विचलित हुआ है। उन्होंने बताया कि डर का माहौल बनाकर पूरे समाज को डराया जा रहा है। उन्होंने छात्रों को भरोसा दिलाया कि वे हमेशा उनके मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।